So good morning from Leh Ladakh again. We are touring this item. तो जैसे कि आप सब देख सकते हो आज हमारा 6 डे है. 5th डे को ये टो नहीं हो पाई थी, कल संडे था क्योंकि, तो आज ये टो हो रही है. और देख लो आप खुद ही आइटन से आइटन टो कर रहे हैं. तो आज सुबह सुबह उठे हैं हम लोग यार, कि मतलब काम करवाते हैं. नींद भी नहीं आई है, मैं रात को कल दिन बहुत बेकार गया यार हमारा. सुबह के 9 बजे हुए हैं एंड सच में बोला हमने मुंह आदमी धोए हैं. ओके बस आ गए हैं कि गाड़ी वाले का हमें कॉल किसने से कॉन्टेक्ट किया इसने हमें, क्योंकि एक तो यार यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, पोस्ट पेड है नहीं हमारा, हमें पता नहीं था कि पोस्ट पेड वगैरह यहाँ पे सीन है. तो फिर आप खुद ही देख सकते हो कैसे हो रहे हैं. और लगभग पहुँच भी गए हैं हम लोग. सो फाइनली एट लास्ट वी मेड इट टू वर्कशॉप. तो फाइनली बेला हो चुकी है स्टार्ट एंड बहुत मुश्किल के बाद यार ये हमारे कपड़े थोड़े पेंगोन लेक में गीले हो गए थे, तो अभी हमने सूखने डाल दिए यहाँ पे अपने होम स्टे पे. और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और सुबह बेला को ठीक करके ले गए थे. और प्लान ये था मैग्नेटिक हिल्स और काफी जगह घूमने का. तो देखिए ये अभी तक सोए पड़े हैं. सो इट्स अ व्यू फ्रॉम आवर होटल रूम. इतना प्यारा व्यू है यहाँ से और इतना प्यारे व्यू के साथ ये देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, सोए होंगे. रास्ता देख रहे हो, ये श्रीनगर वाला रास्ता है. सो अभी हम जा रहे हैं मैग्नेटिक हिल को. सो मैग्नेटिक हिल वगैरह एक्सप्लोर कराते हैं. एक्चुअली में बेला का सारा काम वगैरह कराया हमने, काफी फ्रस्ट्रेटिंग काम था वो और एग्जॉस्टिंग भी था. सो थक चुके थे हम वहाँ पे और आते हम रूम में सो गए थे. एंड चैंग ने आपको जैसे बताया होगा हम सो रखे हैं वहाँ पे. बड़ी मुश्किल से हम उठ उठ के अभी 4 बजे हैं, 4 बजे हम अपने रूम से निकले हैं. सोच रहे हैं मैग्नेटिक हिल निकल लेते हैं क्योंकि कल हमने वापस मनाली साइड को जाना है. सो आज का दिन पूरा वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा है हम कहीं घूमने चल पड़े. व्यू तो देख ही सकते हो आप यार, एकदम फुल पावर व्यू है. और यार कार के साथ बहुत खज्जल हुए हैं हम, अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे रही है ये. थोड़ी प्रॉब्लम दे रही है पर होप फॉर द बेस्ट. अब देखते हैं घर तक तो पहुंचानी है, घर पहुंच जाए. ऐसे लग रहा है कि हम दुबई वगैरह में आ गए. लाना रोज की कमी है क्या बोल रहे हो तू? मेरा लाना रोज की कमी है यहाँ पे. सो फाइनली वी रीच्ड मैग्नेटिक हिल. अभी पीछे से उनके आगे से मोड़ के गाड़ी को लेके आते हैं. सो फिर देखते हैं कि ऊपर चढ़ती है कि नहीं. वैसे है तो काफी स्टीप है ना, वो बोलते कि इंजन आप न्यूट्रल में डाल दो और गाड़ी चढ़ेगी. फिर ये है मैग्नेटिक हिल की हिल. तो आप देख सकते हो काफी ऊंचाई पे है, मतलब चढ़ाई है पूरी की पूरी. ये जो लाइन्स है ना नीचे रोड पे, इन पे खड़ी करनी है ये और आगे बतनी क्या करना है. सो करेक्ट रहे, न्यूट्रल डाल दिया. अब पीछे जा रही है ब्रो. क्या बनाया तू? मोटे चूतिए बना दिए भाई. घंटा में कुछ नहीं हो रहा है. ये तो पीछे जा रही है भाई, ये तो पीछे जा रही है. देखो भाई है नहीं चढ़ रही गाड़ी वाड़ी यार, नहीं जाएगी यार. ये देखो ये खड़ी है ना, ये देखो पीछे जा रही है गाड़ी. भाई जा रही है गाड़ी, चढ़ रही है. अरे मैग्नेटिक मतलब खुद चल रही है गाड़ी. ये सर्विस ना स्टीप है तो खुद जाएगी नीचे. क्या बंदे हैं यार ये, उतराई नीचे को तो जाएगी गाड़ी. देख कितना प्यारा लग रहा है. ओ भाई पूरा मिट्टी का टोरनेट जा रहा है. बट मैग्नेटिक हिल नहीं समझ आया यार सच में. देखो एंडेवर वालों भी खज्जल हो गए, इसकी गाड़ी भी बेचारी पीछे जा रही है, सारे कंफ्यूज है. अब पहले आगे चलते हैं, बोर्ड में पढ़ते कि क्या लिखा है एंड कैसे कैसे करना है. दी हुई है तीन चार अल्टीमेट यार क्या लिखा. अब जैसे हमने सोचा था वैसे ही वर्क नहीं कर रहा है. पता नहीं क्या साइको दी है यार, मोटर साइको दे दी है बंदों ने यहाँ पे. की गाड़ी ऊपर को चढ़ेगी पर गाड़ी चढ़ नहीं रही है, वापस आ रही है. ऐसे तो हम हिमाचल में न्यूट्रल भी मान लेते हैं, बाइक ऑफ की न्यूट्रल. नहीं तो हम पहले क्या कर चुके हैं. सारे के सारे गाड़ी के पीछे छुप गए. तूफान चल रहा है बाहर. सो यार जाने से पहले एक बार फिर मेरा मन कर रहा है. अब बॉक्स पे खड़ी कर दी है मैंने, अब देखते हैं पीछे जा रहे हैं. पीछे जा रही है, सब झोलम झाल है. दारू रूपी की लिख दी किसी ने, मैग्नेटिक लिए वो. और ये आगे फेमस हो गया है. कुछ नहीं है, पहले होते हो कि मैग्नेट अब ले गया कोई यहाँ से उठा के. क्या ही व्यूज है, मैं बोलूंगा नहीं कुछ भी, बस देखते रहो आप सारी जगह. जब से गलवान वैली में सीन हुआ ना, आर्मी देख हर जगह यहाँ पे लद्दाख में, हर जगह आर्मी है यहाँ पे लद्दाख में, हर जगह करती हुई है. मोटे बेस कैंप्स बने हैं. सो ये आर्मी वालों का जहाँ से जेट्स वगैरह उड़ाते हैं, सारे अपने एयरक्राफ्ट वगैरह सारे यहाँ से उड़ाते हैं. आज सुबह भी रफाइल
रफेल जेट से या फिर मिग 21 थे वो, पता नहीं कौन से थे, बट यार साउंड एकदम अल्टीमेट आ रही थी उनकी। चार पांच निकले थे भाई यहाँ से जा रहे थे एकदम से, जहाँ पे हम गाड़ी बनवा रहे थे वहाँ से एकदम से पास में से होके जा रहे थे। सो ये है आर्मी का हॉल ऑफ फेम। सो यहाँ पे जितना भी आर्मी का म्यूजियम टाइप कह सकते हो आप, सोच रहे हैं इसको विजिट वगैरह करते हैं। सो यार ये कह रहे हैं आज मंडे है, सो मंडे को ये क्लोज रहता है। सो एनीवेज जब नेक्स्ट टाइम आएंगे हम तो इसको जरूर विजिट करेंगे। कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है। खाना खाना भी आज भी खा लेते हैं, उसके बाद वो शांति स्तूपा। हाँ शांति स्तूपा बहुत अच्छी है, पूरा ले दिखता है वहाँ से ऊपर से ना। लास्ट डे थोड़ा घूम लेते हैं सारा, सुबह निकल जाएंगे। आई होप बेला परेशान ना करे हमें। ले माल रोड है एंड ये देखो सीज कर दी स्कूटी पूरी, ये लगा दी हुआ है, जब तक चला नहीं दोगे तब तक ये लॉक नहीं खुलेगा। माल रोड में घूमने के बाद हम खाना वगैरह खा के अब सीधे आए हैं शांति स्तूपा। शांति स्तूपा एंड यहाँ पे व्यू देखो यार फुल पावर है। सो ये पूरा रास्ता घूम के ऊपर जाता है मोनेस्ट्री में, वो सामने मोनेस्ट्री है, पूरा ले दिखता है यहाँ से, पूरा ले दिखता है। सो आज मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मन नहीं था, लास्ट डे था, लास्ट डे इन्जॉय करना था ज़्यादा हमने। सो यार ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से एंड ये फ्लैग्स वगैरह लगाए हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये है भाई सामने टेंपल, हम दिन के टाइम पे आए होते तो बहुत अच्छा लगता है एंड रील्स वगैरह भी बहुत अच्छी बनती है हमारी। सो एक्चुअल में यहाँ पे सनसेट होता है तो हमें रेकमेंड किया था कि सनसेट के टाइम पे जाना, बट हमने स्किप कर दिया सनसेट के टाइम पे। एक्चुअल में हम खाना वगैरह खाने चले गए थे एंड माल रोड में भी हमें काफ़ी टाइम लग गया। सो हम यहाँ पे इस टाइम पहुँचे एंड अभी टाइम हो रखा है 7:48, ऑलमोस्ट 8 एंड 8 बज चुके हैं। बस ये थोड़ा बहुत घूमेंगे एंड थोड़ा बहुत रात को माल रोड वगैरह घूमेंगे हम फिर से, उसके बाद रूम में जाके सुबह 5-6 बजे हम निकलेंगे मनाली की साइड को। ये देखो यार व्यू, बैक व्यू है मोनेस्ट्री का एंड ठीक पीछे मोनेस्ट्री है एंड ये बैक व्यू है। सो पूरा लद्दाख दिख रहा है ये पूरा का पूरा। सो यार काफ़ी ख़तरनाक व्यू है यार, अभी बोलने का मेरा मन कुछ भी नहीं कर रहा क्योंकि एनर्जी बहुत डाउन है। बस अब शांति स्तूपा में हमने बहुत घूम लिया है तो अभी है रूम जाने का टाइम, थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करेंगे एंड देन उसके बाद हम जाएंगे लाइक एवरी डे माल रोड। अभी रात के बज रहे हैं 9 और आज हमारा लास्ट डे है ले में और एक्चुअली सुबह जल्दी निकलना है ऑलमोस्ट 4 या 5 बजे। तो अभी हमारे पास कैश भी खत्म हो चुका था तो अभी हमने वैसे एटीएम आए थे, काफी सुबह भी घूम रहे थे तो अभी एटीएम से पैसे निकालने आए हैं और इसके बाद सुबह हमने 5 बजे निकलना है क्योंकि अभी सुबह जल्दी निकलना है तो रेंट वगैरह भी कम्प्लीट करना पड़ेगा, तो फ्यूलिंग भी करनी पड़ेगी सर, टैंक फुल करा के पेमेंट वगैरह करा के सब सुबह 4 या 5 बजे निकलने की कोशिश करेंगे। कार भी मतलब ठीक ही चल रही है, बीच बीच में छोड़ जा रही है सेल्फ में, हमें डर ही लग रहा है। अब देखते हैं रूट्स वगैरह तो बड़े डिफिकल्ट हैं यार। सो भाई लोग पैसे वगैरह भी सब कुछ निकल चुके हैं एंड यार आज का बड़ा हैक्टिक डे गया हमारा क्योंकि एक्चुअली मेन था हमारा नींद पूरी नहीं हुई थी, 8 बजे उठ गए थे गाड़ी के चक्कर में और उसके बाद ये सोए से तंगी मैंने दे दी, इनको वैसे गुस्सा चढ़ा हुआ है और थोड़ा शाम को घूमे थे और थोड़ा और इसका काम तो भूल ही गया इसके काम के चक्कर में। पर जैसे काम तो हो गया वैसे ही नहीं बोलते, ले में कुछ नहीं मिलता, ले में मिल जाता है सब कुछ, सब कुछ सब कुछ, पर ये इतना हमें कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है कि मैं पहुँचा दूंगी तुम्हें क्योंकि थोड़ा सा अभी भी बोलता है कि फ्यूल पंप में थोड़ा कचरा आ गया वो आ गया, वैसे तो है भरोसा है इस पे अपने में, कोई टेंशन नहीं है पर दिल में रहता है क्योंकि यहाँ से ना आगे ना कुत्ता मिलेगा ना इंसान मिलेगा। जैसे आपने देखो रेगिस्तान है भाई, कोई हेल्प नहीं करेगा वहाँ पे, बट फिलहाल एनीवेज अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप, इस पे रिफिल करवाना है एंड जो भी कैंस वगैरह रहते हैं बोतल के वो भी हमने भरवानी है। तो अभी रात के पूरे 10:10 हो रहे हैं। क्या बोलते सर, जाने का मन कर रहा है? नहीं कर रहा ना। तो अभी रिफिल हो रहा है इसमें, जेरी कैंस में भी सारा रिफिल होगा, पता नहीं है यार जाते वक्त कितना तेल खाएगी कितना नहीं खाएगी, अभी इसका काम हुआ है तो क्या पता उसके बाद ये ज्यादा तेल खाए। सो ये जेरी कैंस 5-5 लीटर के हैं दोनों, सो ये 10 लीटर का ये हो जाएगा बैकअप हमारे पास। तो वंस अगेन हम आ गए माल रोड में, पूरी शॉप्स वगैरह क्लोज हो रखी है बट हम भी फिर भी गेड़ी मारने आ गए हैं, तो सोचा कि कल सुबह निकलना ही है तो आज घूम ही लेते हैं, कहां मौका मिलेगा यार फिर से आने का यहाँ पे। तो लद्दाख ट्रिप में जो भसड़ हुई है ना भाई इस बार हमारे साथ, भाई इतनी गंदी भसड़ हुई है ना, अभी घर जाने में भी हमें डर लग रहा है कि बीच में ना फंस जाए यार, पर रिस्क उठा के जा रहे हैं। सो राइट नाउ अभी हम आए हैं डिनर करने। सो आज के ब्लॉग में इतना ही था एंड अभी हम रूम आ चुके हैं एंड सो चुके हैं, मैं और रक्षित नीचे सो रहे हैं, चैंग एंड कैलिश ऊपर सो रहे हैं। तो हमारा दूसरा रूम भी है उसमें कोई भी नहीं सोया अभी तक, बस उसमें हमारा सामान वगैरह ही पड़ा हुआ है एंड सामान वगैरह आप देख ही सकते हो कितना मैसअप हो रखा है सब कुछ ही एंड ये सब पैकिंग वगैरह अभी हमने करनी है एंड सुबह 6 बजे हमने निकल जाना है यहाँ से। इतना था आज के ब्लॉग में, आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड आई विल कीप गाइस पोस्टेड।